इस तरह से विश करना चाहेंगे। तो ऐसा गया हमारे करीब दोस्त है, मेरा नाम डॉक्टर हुक है, हम गुप्ता फाउंडेशन के CEO है। फिर से एक बार मेरी तरफ से मेरे युवा प्रतिष्ठान के ग्रुप की वजह से तरह से और कांग्रेस के पूरे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एहसान रियान जी को शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। रियान भाई को मैं एक शोमन मानता हूँ, प्रिंस शहजादा मानता हूँ। जो भी वो करते हैं बड़े शान से करते हैं, जब भी उनकी इवेंट होती है उसमें एक 40 चांद लगते हैं, और आज उनकी सालगिरह है, बर्थडे है, जन्मदिन है, तो मैं उनको दिल से बधाई, मुबारकबाद और मतलब बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ कि वो हमेशा तरक्की करे और मतलब अपने फील्ड में जो भी वो करना चाहे उनकी सारी मतलब ख्वाहिश पूरी हो, और ही शुड ऑलवेज बी ब्लेस्ड, खुदा उनके साथ हमेशा रहे और उनकी बरकत होते रहे। ऑल द बेस्ट। एहसान रेहान जी मेरे बहुत ही परम मित्र हैं और बहुत ही क्लोज मित्र हैं। हमारी दोस्ती उनसे 15 साल से है और बहुत ही एक सच्चे इंसान है, और
उनके जन्मदिन पे मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि एहसान जी हमेशा आप दोस्तों के लिए हमेशा मदद करते हैं और खड़े रहते हैं, ऐसे ही जीवन भर रहिए और हमारी उम्र भी आपको लगे। और आज हमारे साथ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी बिग बॉस की 2012 की बिग बॉस 12 की जो प्रत्याशी हैं सुमी खान जी हमारे साथ हैं और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि रेहान सर के लिए दो सब बोलें, मुझे खुशी होगी उनके बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो। जब लास्ट ईयर मुंबई अचीवर्स अवार्ड हुआ था तब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी और उनसे मिलने के बाद पता चला कि वो बहुत ही यू नो इज़ रियली डाउन टू अर्थ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग एंड आई रियली विश हिम गुड लक फॉर हिज लाइफ। आई होप वो अच्छा और अच्छा करें और तरक्की करें और हमेशा कामयाब रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें जी। और सुमी आपको मालूम है रेहान जी के बारे में, दोस्तों के लिए उनके पास में स्पेशल जगह रहती है, जिसको दोस्त मानते हैं दोस्त मानते हैं। ही इज़ रियली वेलकमिंग, जैसे इनसे मिलके लगा अभी अंकल मुझे बहुत वेलकमिंग है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही यू नो केयरिंग नेचर है उनका और मैं दिल से उनकी मैं अपने दिल से उनको प्यार करता हूँ और मैं उनको विश करता हूँ कि हमारी भी उम्र उनको सर को लगे और सुमी और हम दोनों की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई विश हिम मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे एंड हैप्पी बर्थडे। उनके हर साल उनके बर्थडे पे आई एम इन्वाइटेड, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट एंड हर साल की तरह दिस बर्थडे पार्टी इज लुकिंग सो रॉकिंग एंड आई एम सो ग्लैड टू बी इन्वाइटेड एंड उनको उनके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एहसान मेरा छोटा भाई है एंड बहुत इज्जत करता है, मैं उससे बे इंतहा प्यार करता हूँ, बहुत क्लोज है मेरे और दिली दुआएं दे रहा हूँ उसको मैं कि अल्लाह ताला उसको ढेर सारी खुशियाँ दे, हर मुसीबत हर आफत हर बला से उसको महफूज रखे, तो नाम शोहरत दौलत शोहरत हर एक चीज़ से नवाजे और इंशाल्लाह ऐसा प्यारा भाई बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं अपने आप को बहुत ही नसीबदार समझता हूँ कि एहसान रेहान जैसा एक छोटा भाई अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा है। माय बेस्ट विशेस टू हिम, मे बी ही ब्लेस्ड विद हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस राउंड द ईयर। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हमारे चेयरमैन साहब थे उनके साथ में बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रह चुका है एहसान और उनके साथ में बहुत सारे जो कम्युनिटी का काम करते आया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एहसान की आदत जो मुझे पसंद आती है वो ये है कि बंद मुट्ठी काम करता है, पब्लिसिटी करने की जी नहीं चाहता उसका और चाहता है कि कम्युनिटी के जितना कर सकूँ उतना करता है और मेरी दुआएं कि उसी तरह वो कम्युनिटी की खिदमत करते रहें और कम्युनिटी भी उसकी बहुत इज्जत करती है, बहुत चाहती है कि रेहान को ज़रा सा भी मसला होता है तो बिना झिझक आ जाता है रेहान के पास, माइनॉरिटीज़ कमीशन के पास लेके जाना, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास लेके जाना, कभी पुलिस स्टेशन में कभी कुछ काम हो कभी किसी सीनियर ऑफिसर के पास काम हो बेझिझक एहसान जाता है और अपने रिलेशंस की बुनियाद के ऊपर लोगों के काम करके देता है। इस बात से मुझे बेइंतहा खुशी है, कई बार मुझे इसने फ़ोन किए लीगल एडवाइस के लिए और मेरे दरवाजे हर वक्त ऐसे छोटे भाई के लिए खुले रहते कि कम्युनिटी की सर्विस के लिए जब भी वो मेरे पास आना चाहता है ही इज़ ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू सो मच। आने के लिए और ये अपना फंक्शन मनाता है, अपना जन्मदिन मनाता है, अल्लाह इसको खुशियाँ दे, तरक्की दे, उम्र में भी तरक्की दे, कारोबार में तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रेहान भाई हमारे दोस्त हैं, बहुत सालों से हमारे जान पहचान है, मिलना जुलना है और जो वो सोशल वर्क करते हैं हम उनसे भी जुड़े हुए हैं तो हर बार जब हम मिलते हैं तो एक नई जुस्तजू के साथ मिलते हैं, एक नई एंथुजियाज्म के साथ में मिलते हैं कि अभी और क्या हम कर सकते हैं सोशल फील्ड में ये देखने के लिए और उनसे मिलने के बाद में हमें और बढ़ावा मिलता है कि चलो हम जो सोशल काम करते हैं जो सोशल फील्ड में काम करते हैं उसमें और कैसा हम आगे बढ़ सकें और हम मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। ये तो एक बहाना है मुबारकबाद देने का और ये एक मौका है कि ऐसे मौके में हम सब मिल जाते हैं, जैसे चचा है हमारे वैसे रेहान भाई है हमारे, हम सब एक ही सोशल वर्क फील्ड में हैं और सोशल वर्क फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे। आमीन।
सर लुक क्या सेंटर लुक जन्मदिन है ऐसा जी का जन्मदिन है। एक अच्छा लड़का उभरता सितारा है जो समाज को जुड़ने काम करता है। ऐसा मैंने एक साल भरे दोस्ती के अंदर में ये प्रयास किया कि समाज जुड़ना चाहिए। ऐसा ने समाज को जुड़ने काम में अच्छा उभरता जा रहे मराठी हो या हिंदी हो दोनों जगह से अच्छा काम किया इसलिए आज मुझे आना पड़ा। एक अच्छा मित्र है जो हर जगह समाज को जोड़ने काम करता है पूरा देश एक करने काम करता है। ऐसे ही भाई की फिलॉसफी है कि पूरा इंडिया एक हो पूरे मजहब एक हो और इसलिए ऐसा भाई के आज बर्थडे के लिए मैं नागपुर से यहाँ पर आया हूँ। मैं ऐसा भाई को उनकी जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसा भाई इस जगत में आगे बढ़े और समाज को जोड़ने काम करे। का पार्टी थी एक्चुअली है अभी चल रही है तो मुझे अच्छा लगा सभी लोग आए और जैसे देखेंगे आपके कुकरे साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसे ही मेरे काफ़ी दोस्त लोग आए हैं जो बॉलीवुड से है टीवी इंडस्ट्री से है एंड पॉलिटिकल फील्ड से है तो अच्छा लगता है बड़ों का आशीर्वाद रहता है और कुकरे साहब आने से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत ही अच्छा व्यक्ति है एहसान भाई हर समाज जुड़ने काम करते हैं। मैं आपको पहले क्या एहसान भाई के बारे में पूरा हिंदुस्तान एक है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है एहसान भाई है कि पूरा मजहब एक हो इनकी फॉलोसफी है कि सभी लोग एक हो इसलिए आज मुझे इनके बर्थडे मनाना पड़ा। आज मैं नागपुर से यहाँ तक जा गया जबकि मुझे आना नहीं था। अगर समाज के हित में कोई काम करता हो और राष्ट्र से जुड़ने काम करता हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो उसे में रहने का मेरा विश्वास है और मैं एहसान भाई के बर्थडे में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ एहसान भाई मुझसे बड़े हो जाए और ये लड़का आगे बढ़े यही शुरू होने से। तो कुछ मैंने सोचा नहीं है लेकिन हम जितना हो सके अच्छा काम करेंगे चाहे वो समाज के लिए हो हमारे देश के लिए हो हम कोशिश करेंगे अच्छा काम। वर्ल्ड पीस एम्बेसडर के लिए भी आपका नाम चल रहा है। जी जी बहुत अच्छा लगता है और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और आज उनका जन्मदिन है बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी लेविश पार्टी रखी उन्होंने एंड हर साल वो इस तरह करते रहे इवेंट्स वगैरह के मामले में एहसान का नाम है और बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको मैं इस जन्मदिन की। और जहाँ तक एहसान की बात है तो हर साल वो इस तरह के अपनी बर्थडे पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करता है और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और जिस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं वैसे वो अच्छा काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत बधाई हो उनके पूरे परिवार और उनके सभी दोस्तों को भी आज के शुभ अवसर पर उनके जो इकट्ठा हुए मित्र सब जगह से पूरे महाराष्ट्र से मुंबई से यहाँ पे आए हैं ये उनका प्यार है सबका जो सबको एक चेन में एक माला में सबको बांध के रखा है और इसी प्रकार से ये सुंदर मोती की माला उनके रिश्तों की बनी रहे और एकता के साथ नव वर्ष के अवसर पर 2020 में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मोहित जी कई सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं ऐसा नहीं तो ऐसा कौन सा काम है जो आप सोचते हैं कि इस बार ये साल वो करने चाहिए जो
देखिए अभी सभी काम अच्छे हैं, जितने काम सोशल कॉज के लिए वो करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा अभी इश्यूज है मुंबई में, ट्रैफिक का इशू बहुत है, जिस हिसाब से बढ़ते समय में मुंबई में ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, तो सरकार के साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में ऐसे लोग जो सोशल मुद्दों को उठाते हैं, इसको और तेज़ी से उठाना चाहिए और लोगों की कहाँ पे सहायता कर सकते हैं। आज के युग में यूथ की एक अलग आवाज़ उठ के आई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, हमने देखा है, और सोशल मुद्दों के ऊपर लोगों में काफ़ी देश के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इसको और बढ़ाना चाहिए। और चाहे एनवायरमेंट का हो, वुमेन एम्पावरमेंट का हो, चाइल्ड का हो, हर एक इश्यूज़ को पूरा न्याय देने का काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू।